तो दोस्तों आज का जो हमारा ऐप है VN ऐप, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप एडिट करते समय इसके अंदर आपको सिनेमा स्कोप कैसे लगाते हैं। तो बहुत ही इजी स्टेप है इसके अंदर आपको वीडियो एडिटिंग करने का। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप VN एडिट से आप अपनी वीडियो को एडिट करते हैं और एडिट करने के बाद आप सोचते हैं कि इसके अंदर आपको सिनेमेटिक लुक चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है। सिनेमेटिक लुक लाने के लिए आपको लगाना पड़ता है सिनेमा स्कोप। तो इसके अंदर सिनेमा स्कोप लगाना काफ़ी आसान है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कर लेते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऑन, फिर उसके बाद में अपने मोबाइल के अंदर ही आपको मैं दिखाऊंगा जो आपकी जो एडिटेड वीडियो है उस पर आप कैसे सिनेमा स्कोप लगाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल को स्क्रीन को खोल लेते हैं और यहाँ पर हम खोल लेते हैं अपना ये VN ऐप। और ये जब हम अपना VN ऐप खोल लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कोई एक वीडियो ले लेता हूँ जिसपे कि मुझे सिनेमा स्कोप लगाना है। तो यहाँ पे मैं नया प्रोजेक्ट में जाता हूँ, यहाँ से मैं एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर मैं आपको सिनेमा स्कोप लगा कर दिखाता हूँ कि कितनी आसानी से आप लगा सकते हैं। तो ये जो ऐप है ये काफ़ी अच्छा ऐप है, इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि काफ़ी सारी टूल हैं जिसके थ्रू आप प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपको इसके कलर वगैरह सही करना है तो जैसे ये मेरे बादल वगैरह हैं काफ़ी है, मतलब कि थोड़ा वैसा दिख रहा है। अगर इसमें थोड़ा कलर करना चाहूँ तो यहाँ से मैं पहले थोड़ा सा कलर कर लेता हूँ, या मैं फ़िल्टर में जाता हूँ। फ़िल्टर में जाने के बाद आपको जैसा चाहिए, जैसे मैंने यहाँ फ़िल्टर डाला ये काफ़ी अच्छा लुक आ गया। अब मैंने थोड़ा इस पर कर दिया तो ये भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, और जैसे थोड़ा मेरे को ग्रीन में चाहिए तो ये भी आ गया हमारा। तो मतलब काफ़ी सारे इसके अंदर जो है आपको टूल, मतलब कि जो फ़िल्टर वगैरह वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। बाकी इसके प्रोफेशनल फ़िल्टर वगैरह भी अगर आपको यूज़ करना है तो आपको इसका प्रो वर्जन खरीदना पड़ेगा। तो हमें अभी ज़्यादा कुछ नहीं, हमें इसमें सिनेमा स्कोप लगाना है और बाकी थोड़ा बहुत ये कलर वगैरह देख लेते हैं। जैसे मैं अपनी वीडियो पर लगा रहा हूँ काफ़ी अच्छे कलर वगैरह हो जा रहे हैं। तो अभी हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसमें हमें सिनेमा स्कोप कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे सिनेमा स्कोप लगाने के लिए काफ़ी सिंपल सा फंडा है इसका, आपको यहाँ पर टैक्स वाले इस पर जाना है और इसके बाद टैक्स पर क्लिक करना है। जैसे आप टैक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टैक्स वगैरह भी लिखने के लिए आ जाएगा, चाहे तो आप यहाँ पे टैक्स वगैरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे जो लिखोगे आपको वो आ जाएगा टैक्स, बट हमें अभी टैक्स नहीं लिखना, हमें इसमें सिनेमा स्कोप लगाना है। तो उसके लिए आप टैक्स पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वीडियो टाइटल नेम डाल सकते हैं, लाइन काफ़ी सारे, मास्क वगैरह भी, यहाँ पर फ्रेम का भी ऑप्शन आपको दिख रहा है। इसे हम थोड़ा साइड में करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिल्म, तो आप फिल्म वगैरह पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर सिंपली आपका ये देखिए किस तरीके से सिनेमा इसको काफ़ी अच्छा लग चुका है, जो कि आपको सिनेमैटिक वीडियो में काम आएगा। तो और जैसे ही सिनेमा स्कोप लग जाता है तो आपकी वीडियो काफ़ी अच्छे दिखने लगते हैं। देखिए मैंने सिनेमा स्कोप लगा दिया तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी हमारी वीडियो देखने में लग रही है। तो दोस्तों आपको भैया मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगी तो आप मेरे को लाइक और शेयर कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहिए। तो दोस्तों जब तक के लिए गुड बाय।